आइए जानते हैं कि बीते 24 घंटों के दौरान देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, उन सब पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए कांग्रेस के तेज तरार वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ऑडियो चेक, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कश्मीर में फिर से 370 लाने की बात कही। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ होंगे प्रभावित। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 3 दिवसीय केन्या दौरा आज से शुरू। पीएम मोदी 47वें G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में होंगे शामिल। डोमिनिका हाईकोर्ट से बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के बेल याचिका खारिज, फरार होने की आशंका जताई। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, अंधेरी में जल जमाव शुरू, हैवी रेन का अलर्ट। मुंबई में तेज बारिश और जल जमाव के बाद अंधेरी, सबवे भी बंद। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की फिसली जुबान, बोले बूढ़े मर जाएं कोई बात नहीं, पहले बच्चों को लगानी चाहिए थी वैक्सीन। अब कुछ खबरें कोरोना से जुड़ी देश दुनिया से। देश में कोरोना से 84,332 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,002 मरीजों की मौत। दिल्ली में अनलॉक 3 में सैलून, जिम और सिनेमा हॉल खुलने की संभावना। ऑक्सीजन कंटेनर पर कितना टैक्स, आज होगी GST काउंसिल की अहम बैठक। आइए जानते हैं कि बीते 24 घंटों के दौरान देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, उन सब पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए कांग्रेस के तेज तरार वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ऑडियो चेक, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कश्मीर में फिर से 370 लाने की बात कही। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ होंगे प्रभावित। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 3 दिवसीय केन्या दौरा आज से शुरू। पीएम मोदी 47वें G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में होंगे शामिल। डोमिनिका हाईकोर्ट से बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के बेल याचिका खारिज, फरार होने की आशंका जताई। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, अंधेरी में जल जमाव शुरू, हैवी रेन का अलर्ट। मुंबई में तेज बारिश और जल जमाव के बाद अंधेरी, सबवे भी बंद। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की फिसली जुबान, बोले बूढ़े मर जाएं कोई बात नहीं, पहले बच्चों को लगानी चाहिए थी वैक्सीन। अब कुछ खबरें कोरोना से जुड़ी देश दुनिया से। देश में कोरोना से 84,332 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,002 मरीजों की मौत। दिल्ली में अनलॉक 3 में सैलून, जिम और सिनेमा हॉल खुलने की संभावना। ऑक्सीजन कंटेनर पर कितना टैक्स, आज होगी GST काउंसिल की अहम बैठक।